दोस्तों कोई भी धंधा जब हम शुरू करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मार्केट में क्या ऐसा नया चीज़ लाएं कि पहले दिन से ही कमाई होने लगे। कमाई ना हो तो कम से कम जितना माल बनाया उतना तो बिक ही जाए। और इसलिए आज हम खास आपके लिए एक बेहतरीन फूड से जुड़ी एक बढ़िया सा आइडिया देने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम सोयाबीन से बने समोसे के बिजनेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग आलू के बने समोसे तो हर जगह मिलता है और लोग खाए भी होंगे, लेकिन सोयाबीन से बने समोसे बहुत कम लोग खाए होंगे और इसका टेस्ट आलू के बने समोसे से भी बेहतरीन होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सोयाबीन के समोसे बनाने में खर्चे तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप जब अपने मार्केट में अकेले होंगे और कुछ अलग नया चीज़ दे रहे हैं तो आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं समय के हिसाब के साथ, जैसे जियो ने किया। हाउ टू स्टार्ट अ समोसा शॉप। शुरू में आप एक दुकान रेंट पर लें या फिर एक अच्छा सा ठेला बनवा लें, जो कि इस टाइम काफ़ी अच्छे अच्छे ठेले देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको एक सही जगह ढूंढना होगा। समोसा का दुकान खोलते वक्त आप अपने शहर में किसी भी चौराहा, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल के पास कर सकते हैं। याद रहे उस इलाके में पब्लिक की आवाजाही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 65% निर्भरता आपकी जगह पर होती है कि दुकान चलेगा या नहीं। दुकान खोलने के बाद आप एक अच्छा सा यूनिक नाम जरूर रखें, अगर हो सके तो विजिटिंग कार्ड अपने अनुसार जरूर बनवा लें। उसके बाद समोसे का स्वाद बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि खाना पीना कितने का मिल रहा है ये मायने नहीं रखता, उसका टेस्ट कमाल का होना चाहिए ताकि कस्टमर को लगे कि उसका पैसा वेस्ट नहीं गया है। अगर आपको सोयाबीन के समोसे बनाने नहीं आते तो आप घर पर किसी से या फिर YouTube की सहायता से सीख सकते हैं। अगर आप रोज़ 100 समोसे भी बेच देते हैं और एक समोसे का 7 रुपये भी रखें तो मोटा मोटा हम 21,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। इसमें आपका क्या खर्च है, कितना बचत हो रहा है, उसे आप महीने में एक बार जरूर जोड़ें और समझें, ताकि आप रेट को मैनेज करके आप आगे बढ़ सकें। इस धंधे से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के यहाँ तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।